अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे भुना मसाला गोश्त। गोश्त को हमने गला लिया है, अब इसके अंदर डालेंगे हम डेढ़ सौ ग्राम ऑयल, आधा चम्मच नमक, इसको मिला दें। अच्छे से मिला दिया है, गैस फुल पे ही रखें। अच्छे से पक रहा है। अब इसके अंदर एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इसको भी मिला देंगे। अच्छे से मिला दिया है। अब इसके अंदर आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, इसको मिला दीजिए। अब इसको 2 मिनट तक भून लेंगे। अच्छे से भुन गया है। अब इसके अंदर हम सब गरम मसाले डालेंगे। लौंग, काले मिर्च, ताजीरा, 2 इलायची, तेज़पत्ता, करियाफूल और दालचीनी, इसको भी हम मिला देंगे। इसको हम 2 मिनट तक भून लेंगे। दो मिनट हो गए हैं, अच्छे से भून गया है। अब इसके अंदर डालेंगे हम आधा गिलास पानी। इसको हम 5 मिनट तक पकने देंगे। 5 मिनट हो गए, अच्छे से भुन गया है। अब इसके अंदर डालेंगे हम कोतमीर, हरी मिर्च कट करके रखा है, अब इसको हम मिलाएंगे। अच्छे से भुन गया है। अब इसके अंदर डालेंगे हम आधा नींबू का रस, सब अच्छे से मिलाएंगे। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालकर 1 सीटी दे देंगे और फिर उसको हम उतार लेंगे। भुना मसाला गोश्त बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।